पाकिस्तान भारतीय सेना के जवानों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक महिला एजेंट ने अनिका चोपड़ा नाम से फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाकर भारतीय सेना के जवानों को फंसाया। इस फेक आईडी से करीब 45 जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। इसके बाद हनी ट्रैप में फंसे जवान सोमवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि अनिका चोपड़ा नाम से बनी फेक आईडी से सोमवीर को हनी ट्रैप में फंसाकर सेना से जुड़ी जानकारियां मंगवाई गई, जिसके लिए सोमवीर को 5,000 रुपए भी भेजे गए। सोमवीर के पकड़े जाने के बाद फेसबुक पर बनाई गई फेक आईडी पर फ्रेंड लिस्ट हाइड कर दी गई है। सोमवीर जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के आर्म्ड यूनिट में सिपाही था, जिसे साल के शुरू में हिरासत में लिया गया था, लेकिन और जानकारियां मिलने के बाद उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की नापाक मंसूबे एक बार फिर सामने आए हैं, जहां पर हनी ट्रैप के जरिए जवानों को फंसाने की कोशिश की गई है। और ऐसा नया मामला सामने आया है, जहां पर सोमवीर नाम के जवान को एक अनिका चोपड़ा नाम की हनी ट्रैप ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर उससे दोस्ती की। और ये भी खबर है कि सोमवीर ने उसे बहुत सारी खुफिया जानकारी पहुंचाई हैं, और अब सोमवीर को अरेस्ट कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के मथुरा में कुछ लोगों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि पैसों के विवाद में गांव के ही पूर्व सभासद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हत्या की खबर मिलते ही उसके परिवार में मातम पसर गया। आरोप है कि मोहल्ले का ही एक लड़का बिहारी नाम के आदमी को अपने साथ गांव के पूर्व सभासद के यहाँ ले गया, जहां मारपीट के बाद बिहारी को गोली मार दी गई। मेरे सुमती लेगो जगाए के और याकी दुश्मनी आई चल रही है, मेरे बेटा में गोली मार रही है। हत्या से नाराज परिवार वालों ने आरोपी के घर धावा बोल दिया और उसके घर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने का दावा किया। कोई रवि नाम का है लड़का जिसने गोली मारी है, अभी तस्दीक की जा रही है। पुलिस ने हत्या के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया, जबकि गांव में तनाव के बाद आरोपियों के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। देश में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी कर दिया है। news18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिनके तहत हर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी होगा। हर रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना जरूरी किया गया है। चार्जिंग स्टेशन के लिए बिल्डिंग की पार्किंग का 20% हिस्सा छोड़ना जरूरी किया गया है। इसके अलावा बिजली कंपनियों को भी चार्जिंग पॉइंट के हिसाब से बिजली मुहैया कराने का सुझाव दिया गया है। नई गाइडलाइन के तहत ऐसे इंतजाम करने का सुझाव दिया गया है कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग ई चार्जिंग के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए भुगतान कर पाए। प्रयागराज कुंभ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के स्नान पर्व के साथ शुरू होगी। मकर संक्रांति स्नान पर्व के मौके पर अखाड़ों का पहला शाही स्नान भी होगा। शाही स्नान के दिन महोदय योग बन रहा है, जो 71 सालों बाद बन रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शाही स्नान को बहुत कम समय बचा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी आनंद गिरी महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो महाराज जी ये समझना चाहेंगे, ये शाही स्नान कौन करेगा, सबसे पहले कौन सा अखाड़ा जाएगा, ये कैसे इसका निर्धारण होता है? भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, 6 मास के लिए भगवान दक्षिणायन होते हैं, अब 6 महीना भगवान उत्तरायण रहेंगे। और ये उत्तरायण विशेष है, खास है, बहुत महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि दिव्य और भव्य कुंभ है। प्रयाग की पावन भूमि पे ये कुंभ बहुत अलौकिक है। विशेष मुहूर्त में इस शाही स्नान की महत्वता पूरी दुनिया के सामने जाएगी। पहली डुबकी ब्रह्म मुहूर्त की पूरी दुनिया देखेगी, और वह डुबकी इतनी अलौकिक होने वाली है कि मनुष्य के जीवन के बहुत पापों को काटने वाली है और पुण्य को उदय करने वाली है। जी, लेकिन सवाल यही था कि ये एक के बाद एक अखाड़े जिस तरीके से तय होते हैं, ये कोई एक सेट प्रोसीजर है या हर बार बदलते हैं? जी हाँ, हर बार नियम तय होता है। अखाड़ा परिषद बैठता है, परिषद के अकॉर्डिंग सबको टाइम मिलता है। टाइम स्लॉट में सबसे पहले श्री निर्माणी अखाड़ा और उनके साथ में अटल अखाड़ा, ये दो अखाड़े सबसे पहले निकलेंगे। इनके पीछे रहेंगे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, और उनके पीछे जाएंगे जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। उसके पश्चात बाकी जैसे उदासीन है, बड़ा, नया, और उसके पश्चात निर्मल, उसके पश्चात दिगंबर,
दिगंबर अणि निर्मोही, इस प्रकार से सभी अखाड़े अपनी श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगभग 12 बजे के आसपास सभी अखाड़े स्नान परिपूर्ण रूप से पूर्ण कर लेंगे। जी, सबसे पहला स्नान जो अखाड़ा करता है तो ये माना जाता है, क्या स्नान में इसका कोई फर्क पड़ता है कि पहले कौन जा रहा है या बाद में कौन जा रहा है, और ये पहला शाही स्नान कितना जरूरी होता है? एक्साइटमेंट होती है, जिस अखाड़े का पहला नंबर होता है वो बहुत खुश होते हैं कि हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हमें सबसे पहले संगम स्पर्श करने को मिलेगा, तो ये एक अलग अनुभूति है। बट स्नान तो स्नान सबके लिए एक जैसा ही है। सबसे पहले महानिर्माणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा इसमें स्नान करेगा, उसके पीछे पीछे निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। और सभी लोग चाहते हैं कि हम पहले स्नान करें, कोई चाहता है कि हम 11 डुबकी मारें, कोई चाहता है कि हम 5 डुबकी मारें, कोई 100 डुबकी का संकल्प लेता, बट समय बहुत कम होता है और उस कम समय में उस पूरे अखाड़े को स्नान करके 40 मिनट में घाट को खाली करना होता है, दूसरा अखाड़ा पीछे लगा रहता है। तो ये बहुत उत्साहित करने वाला और बहुत रोमांचित करने वाला एक बहुत सुंदर सी सेरेमनी है जो 6 घंटे की होती है, बट पूरी दुनिया को जगा देती है, आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। प्रयागराज में कुंभ मेले के सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने के लिए DIG ने पुलिस अधिकारियों के साथ मार्च निकाला। प्रशासन ने दावा किया कि कुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उस सुरक्षा के इंतजाम में किसी तरह की कमी ना रह जाए, इसके लिए यूपी पुलिस के DIG ने खुद कमान संभाली और दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस टीम ने उन रास्तों पर भी मार्च किया जहां से शाही स्नान के दिन अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलनी है। अखाड़े इसी रूट से जाएंगे भाई, हम देख रहे हैं। अच्छा, वो लौटने के रास्ते से आए, जाने के रास्ते से जा रहे हैं। वहीं दूसरे पुलिस अधिकारियों ने अपना काफिला छोड़कर पैदल मार्च किया। इस दौरान वहां पैरा मिलिट्री के जवान भी पुलिस फोर्स के साथ पैदल चलकर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेते नजर आए। इस पैदल मार्च में महिला पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला अब गाड़ियों को आ रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सभी यहां से पैदल मार्च करते हुए पूरे मेले का निरीक्षण कर रहे हैं। कोशिश यही है कि अगर आखिरी वक्त पे कोई कमी नजर आए तो उसको सुधार लिया जाए। 15 जनवरी से पहले शाही स्नान से शुरू होने वाले कुंभ में बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन सुरक्षा इंतजाम के चाक चौबंद होने का दावा कर रहा है।